लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां पर ऑपरेशन भेड़िये के लिए आपको बता दें कि यहां पर जिस तरह से ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और उस ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। तो बहराइच को वन्य जीव आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, प्रभावित परिवारों को दी जाएगी अनुग्रह राशि। तो ये बड़ी खबर आ रही है। जिले के प्रभारी मंत्री संजय निषाद लगातार कैंप लगा रहे हैं और इसके साथ ही जो है बकायदा वो पूरा मॉनिटरिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना भी साथ में मौजूद है। एक तरफ मॉनिटरिंग और दूसरी तरफ जो है लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दी जा रही है। तो उत्तराखंड के शार्प शूटर भी भेड़िया प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं और इसी के साथ एक एक्सपर्ट टीम भी लगातार कैंप में मौजूद है, जो लगातार मॉनिटरिंग के साथ साथ जो है बाकी कामों को भी देख रहे हैं। तो एक तरफ भेड़ियों का आतंक और दूसरी तरफ जो है इस वक्त प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन की टीम भी लगातार वहां पर मौजूद है और आपको बता दें कि रात से ही वहां पर तमाम टीमें जो है वो मौजूद है और जिसकी वजह से एक तरफ भेड़ियों का आतंक है तो दूसरी तरफ प्रशासन और सरकार ने मोर्चा संभाला हुआ है। सहयोगी अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, एक तरफ भेड़ियों का आतंक लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में तमाम जिले हैं जो इस समय कहीं ना कहीं जंगली जानवर हैं, उनके खौफ ज्यादा उनके खौफ में जी रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें बहराइच सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है, जहां पर भेड़िए के आतंक से तमाम लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, कई लोग घायल हो चुके हैं, कुछ लोगों की मौत भी हुई। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस पर ध्यान बनाए हुए, मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर बात करें बहराइच की तो उसको जिले को वन्य जीव आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया, यानी कि जहां पर इस तरह के जानवरों का आतंक होता है उन क्षेत्रों को ऐसा घोषित किया जाता है। तो निश्चित तौर पर वहां पर कैंपिंग की जा रही है। स्पेशल शूटर्स जो हैं वो उत्तराखंड से बुलाए गए, जो खास तौर पर ऐसे खूंखार जानवरों का शिकार करने में या युक्त हैं कि उन पर प्रतिबंध को रोकने के लिए, उनके आतंक को रोकने के लिए माहिर माने जाते हैं। साथ ही साथ जो संबंधित जिले के मंत्री प्रभारी मंत्री हैं संजय निषाद, वो लगातार वहां बने हुए हैं। वन्य मंत्री हैं वो भी वहां बने हुए हैं। इसके अलावा जो जिला प्रशासन की टीम है, वन्य क्षेत्र से जुड़ी टीम है, वो भी लगातार कैंपिंग कर रही है। इसके अलावा बात करें तो स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन है, वो रात भर जग करके कहीं ना कहीं क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया पिछले कुछ दिनों में बहराइच, लखीमपुर खीरी, इसके अलावा सीतापुर, खासतौर पर जो नेपाल उत्तराखंड से सटे हुए जिले हैं, वहां पर इस तरह के जानवरों का कहीं ना कहीं आतंक है। क्योंकि हम जो अगर किसी जानकार से बात करिए तो उनका कहना है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जलभराव हो रहा है, वहां पर लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं वहां के जो जानवर हैं वो कहीं ना कहीं बाहर निकले हैं, जो समतल क्षेत्र वहां पहुंचे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो थोड़ा खूंखार हो गए हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं उनको प्रतिबंधित करने के लिए, उनको रोकने के लिए अगर वो पकड़ में नहीं आते तो उनको मारने तक की नौबत अगर आती है तो उसके लिए भी सरकार और जो प्रशासन है वो तैयार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल अश्विनी, कहीं ना कहीं पूरा कैंप बनाकर रखा गया है जहां पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अश्विनी, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो संबंधित मंत्री है विभाग के अरुण सर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जो घायल हुए हैं या जहां पर अन्य कोई दुर्घटना हुई वहां पर पहुंच कर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सरकार ने अनुग्रह राशि देने का भी निर्णय लिया है कि जो भी प्रभावित लोग हैं उनको सरकार की सहायता भी दी जाएगी। साथ ही साथ इस समस्या से निपटने के लिए लगातार देखा जा रहा है 24 घंटे 24x7 जो है जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार जो महकमे हैं वो अलर्ट पे हैं। बिल्कुल अश्विनी, और ऐसे में 24x7 प्रशासन अलर्ट मोड पर है, निगरानी रखी जा रही है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अश्विनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले कि प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है, कैंप बकायदा यहां पर बनाया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री संजय निषाद लगातार कैंप में मौजूद है और रात से ही अधिकारी वहां पर मौजूद है। वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना भी साथ में मौजूद है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से गांव कराह रहे हैं, ग्रामीण परेशान हैं। न्यूज वन इंडिया की टीम
दहशत और खौफ के साए में जी रहे ग्रामीणों के बीच पहुंच रही है और लगातार आदमखोर भेड़िये के आतंक से परेशान ग्रामीणों की परेशानी को आपके सामने लेकर आ रही है। मनसापुरवा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। एक चौपाल हमने दिन में लगाई थी टपरा गांव में और टपरा गांव के हमने आपको हालात दिखाए थे जो आदमखोर भेड़िये के आतंक से सबसे ज्यादा प्रभावित था। मनसापुरवा गांव है, यहां पर केवल शोर शराबा तो हुआ, यह आवाज सुनाई दी कि भेड़िया आया, लेकिन उस तरह की कोई चीज दिखाई नहीं दी है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार यहां पर कैंप कर रहे हैं, आकर ग्रामीणों से बात कर रहे हैं और ग्रामीण हैं जो इस तरह से रात में पहरा दे रहे हैं, हाथों में टॉर्च और डंडा लेकर दूर दूर इसी तरह से टॉर्च के सहारे देखते हैं कि कहीं किसी तरह की कोई चहलकदमी, कोई हलचल तो नजर नहीं आ रही है। चौपाल है यहां भी और चौपाल के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी परेशानियां और कितनी दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही हैं। जी, हम लोगों के सामने दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग रात रात सो नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं और बिजली की सबसे बड़ी दिक्कत आती है, ताकि भेड़िया जो है जब बिजली नहीं रहती है तो अंधियाले में आकर अपना शिकार आराम से ढूंढ सकता है। अच्छा, ये बताइए जो आपके गांव है जहां पर ये सबसे ज्यादा भेड़िये का आतंक है, घाघरा नदी से लगे हुए ज्यादातर गांव हैं। जी जी, तो इसमें जब कभी बाढ़ आती है तब इसी तरह के हालात पैदा होते हैं, इसी तरह से जो भेड़िये या और जानवर हैं वो गांव की तरफ। ये पहली बार है, हमारी उम्र 36 साल की, ये पहली बार है। जी, ये पहली बार हुआ है कि भेड़िया इस तरह का जो है शिकार कर रहे हैं, आदमखोर हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन्हें मारने का आदेश भी दिया गया है। हाँ, तो एनकाउंटर होगा भेड़ियों का? जी, इनकाउंटर होगा, तो अगर इनकाउंटर हो जाता है तो हम लोग सुकून की नींद सो पाएंगे। तो और भी लोग यहाँ पर हैं जो हाथों में लाठी डंडे लेकर यहाँ की गांव की सुरक्षा कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगता यहाँ पे जब खड़े होते हैं रात में आकर? तो क्या करें, अपने बच्चों बीबी को बचाना तो है, अपने बच्चों को रात में डंडा लेकर पहना सबको देना तो है, जरूरी है। अब सदमे में पड़े हैं सब लोग भेड़िये के चक्कर में, क्या करें। ये बतावत कितनी परेशानी होते हैं ऐसे जब इस तरह से भेड़िया आवत है? परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन क्या करें, बच्चे बच्चों को बचाना जरूरी है अपने। तो दिन में मजदूरी करने जाते हैं? दिन में मजदूरी क्या करें, रात को जागते हैं, दिन में मजदूरी क्या करें। मजदूरी हम लोगों की बंद हो गई है ये भेड़ियों के लोगों के चक्कर में, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। जो बंद हो गई है मजदूरी वजदूरी भी, दिन में काम करने जाते पहले, लेकिन अब मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही है सर, मुश्किल हो रही है कि मजदूरी हम लोग कर छोड़ दिया, भेड़ियन के चक्कर में रात भर जागते हैं तो दिन में मजबूरी क्या करने जाएं। तो फिर खाने पीने का कैसा हो रहा? खाने पीने कोई तरह आप लोगों से उधार लेकर के और किसी तरह पेट जला रहे हैं, और क्या करें सर। अच्छा, इसका आपको लगता क्या है, इसका समाधान क्या होना चाहिए? समाधान हम लोग क्या बताएं कि आप लोग समाधान न करें तो हम लोग कैसे समाधान करें, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग बताइए तब तो हम लोग समाधान करवाए ना। हम लोग मंजूर दरह आदमी तो दिन में काम करने जाए तो रात भर जागे पड़ते है। मैंने भेड़िया से जो परेशान तो है ना भाई, दिन रात दिन भर काम करी आदमी, काम गए ना भाई, रात भर जब जागी तब कौन पाए है तो मजबूरी ढेर टार्च और लाठी घूमो। गर्मी का मौसम, मच्छर मक्खी, बच्चे परेशान। बताओ बत्ती काती कती जो परेशान है, बत्ती बैठे बताओ ऐसे नंगे घूम रहे हैं, वो हम शिकार करिए कौन उपाय है। ये भी है कि गर्मी है, गर्मी का मौसम है और उसमें बच्चे भी परेशान होते, बच्चे भी परेशान होते हैं और बीबियां भी परेशान होती हैं और घर के लोग भी परेशान हो रहे हैं और अगल बगल से